मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडा हिजब इख्तलाफ के रहनुमाओं की 2023 के वफाकी बजट की मुखालफत। कंजर्वेटिव रहनुमा पियर पॉलिवर का कहना है कि इस बजट में इतनी बर्बादी है जितनी पहले कभी नहीं देखी गई। हुकूमत मुलाजमतें पैदा करने वाले कारोबारों पर टैक्स लगा रही है। जनूबी ऑन्टेरियो में रवां माह दूसरी बार गरज चमक के साथ बर्फबारी। माहरीन मौसमियात ने सूरत हाल को मामूल से हटकर करार दे दिया। एनवायरमेंट कैडर ने बुध के लिए टोरंटो में मौसम की एडवाइजरी जारी की थी। प्योतन तुर्किया में जौहरी पावर प्लांट का इफ्तिताह कर सकते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान का कहना था कि मगरबी ममालिक तुर्किया को रूस से जंग में नहीं उलझा सकते। तुर्किया में आइंदा माह 27 अप्रैल को जौहरी पावर प्लांट का इफ्तिताह होना है। इसराइल खुद मुख्तार मुल्क है, बैरूनी दबाव पर फैसले नहीं करता। इसराइली वजीर आजम का अमरीकी सदर को जवाब। नेतन्याहू ने जो बाइडन की मुतनाज़ा अदालती इस्तेहाद से मुतालिक दी जाने वाली तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। अदालती इस्तेहाद के मुतनाज़ा मंसूबे ने इसराइल को बदतरीन बहरान में डाल दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. जनूबी ऑन्टेरियो में रवां माह दूसरी बार गरज चमक के साथ बर्फबारी हुई है। माहरीन का कहना है कि ऐसी सूरत हाल बहुत कम देखने में आती है जब बर्फबारी के दौरान आसमानी बिजली गरजती है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। जनूबी ऑन्टेरियो में रवां माह दूसरी बार गरज चमक के साथ बर्फबारी हुई है। माहिरीन का कहना है कि ऐसी सूरत हाल बहुत कम देखने में आती है जब बर्फबारी के दौरान आसमानी बिजली गरजती है। माहिरीन का कहना था कि बुध की सुपहर को टोरंटो, बर्लिंगटन, हैमिल्टन, QEW पर नियाग्रा की तरफ कावार्थिस में और वुड स्टॉक के करीब के इर्द गिर्द अचानक बर्फबारी के दौरान गरज चमक और बिजली गिरने की इत्तला मिली है। माहिरीन के मुताबिक अगरचा गरज चमक के साथ बर्फबारी गैर मामूली महसूस होती है, ये यकीनी तौर पर सुना नहीं है। इस सीजन की मुनफरिद बात यह है कि हमारे पास इस मार्च में दो गरज चमक के वाकयात हुए हैं जहां ये हमारे मुल्क के सबसे ज्यादा आबादी वाले हिस्से में हुआ है, लिहाजा वहां बहुत सारे लोग इसका मुशाहिदा करते हैं,
इसे रिकॉर्ड करते हैं और इसकी रिपोर्ट करते हैं। किसानों के मुताबिक बर्फ के साथ गरज चमक के साथ उस वक्त होती है जब हवा इतनी गैर मुस्तहकम हो जाती है कि ये पुरतशद्दुद तौर पर उलट जाती है, आमतौर पर जब शदीद तौर पर मुख्तलिफ दर्जा हरारत मिलते हैं। गरज चमक ने आखिरी बार जुनूबी ओंटेरियो को एक माह से भी कम अरसा कबल निशाना बनाया था, क्योंकि 3 मार्च को एक बड़े बर्फानी तूफान ने इस इलाके को नुकसान पहुँचाया था। इस बार बुध के रोज एक तेज सर्द महाज टोरंटो से गुजरा, जिसने धूप वाली सुबह के बाद भारी गीली बर्फ का फैलाव लाया, जो मौसम बहार के आम मौसम से मुशाबे होने लगा। एनवायरनमेंट कनाडा ने बुध के लिए टोरंटो में मौसम की एडवाइजरी जारी की, जिसमें 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ 1 से 2 सेंटीमीटर बर्फ पड़ने की पेशगोई की गई। मुकामी बाशिंदों ने मौसम बहार की बर्फबारी की तेज और गजबनाक आमद का तस्करा किया, जिसमें गरज चमक और बिजली की चमक थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात को 5 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सूरज और बादल छाए रहेंगे, जुमे को 9 सेंटीग्रेड के करीब ज्यादा के साथ बारिश और तेज हवा के वक्फे नजर आएंगे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का कहना है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जौहरी पावर प्लांट के इफ्तिताह के लिए तुर्किया का दौरा कर सकते हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का कहना है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जौहरी पावर प्लांट के इफ्तिताह के लिए तुर्किया का दौरा कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने निजी तुर्क टीवी पर गुफ्तगू के दौरान ये बात कही है। उनका कहना है कि तुर्किया में आइंदा माह 27 अप्रैल को जौहरी पावर प्लांट का इफ्तिताह होना है। तुर्क सदर ने यह भी कहा कि इस मौके पर मुमकिन है कि रूसी सदर पुतिन तुर्किया आए या प्लांट की इफ्तिताही तकरीब में ऑनलाइन शिरकत करें। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा कि वो मगरबी ममालिक को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो तुर्की को रूस के साथ जंग में झोंक दें। तुर्की रूस और यूक्रेन के दरमियान हर मुमकिन हद तक जल्द मुज़ाकरात कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हम यहाँ हुकूमत में हैं ऐसा नहीं होगा, और उनका मुल्क रूस और यूक्रेन के दरमियान मफाहमत का किरदार अदा करने का ख्वाहिशमंद है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्किया का पहला जौहरी पावर प्लांट रूसी कंपनी तामीर कर रही है। दूसरी जानिब हाल ही में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया था कि बेलारूस में रूस के जौहरी हथियारों की तंसीब से मुतालिक मुहैदा तय पाया है। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि हमसाया मुल्क बेलारूस के साथ मुहैदे तय पाया है, जिसके तहत रूस बेलारूस में टैक्टिकल जौहरी हथियार रखेगा। ये एकदम जौहरी अदम फैलाव के मुहैदों की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। इसराइल के वजीर तालीम ने नेतन्याहू के अमरीका के साथ इख्तलाफात के मुतालिक बात ना करने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वाशिंगटन इसराइल को हुक्म नहीं देगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इसराइल के वजीर तालीम ने नेतन्याहू के अमरीका के साथ इख्तलाफात के मुतालिक बात ना करने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वाशिंगटन इसराइल को हुक्म नहीं देगा। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से मुतनाज़ अदालती इस्तेहाद से मुतालिक दी जाने वाली तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इसराइल खुद मुख्तार मुल्क है और अपने फैसले अपनी आवाम की मर्जी से करता है। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी काबीना के वज़रा और काबीना के अरकान को हिदायत की थी कि वो वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात के हवाले से कोई बयान ना दे। नेतन्याहू ने कहा था कि हालात के इख्तलाफात के बावजूद इसराइल के अमरीका के साथ ताल्लुकात गैर मुतजलजल हैं। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि याहू मुतनाज़ अदालती इस्तेहाद से दूर रहेंगे, क्योंकि इसराइली हुकूमत इस रास्ते पर नहीं चल सकती और वो कुछ हकीकी समझौता करने की कोशिश करेंगे। नेतन्याहू ने अमरीकी सदर के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि इसराइल खुद मुख्तार मुल्क है और अपने फैसले अपनी आवाम की मर्जी से करता है, न कि दीगर मुल्क के दबाव पर बशमूल बेहतरीन दोस्तों के। इसराइली वजीर आजम ने कहा कि उनकी इंतजामिया वसी इत्तेफाक राय के जरिए इस्लाहात करने की कोशिश कर रही है। मैं बाइडन को 40 साल से जानता हूं और मैं इसराइल के लिए उनकी देरीना वाबस्तगी को सराहता हूं। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल और अमरीका का इत्तेहाद अटूट है और हमारे दरमियान कभी कभार होने वाले इख्तलाफात पर हमेशा काबू पाता है। इसराइल के अपोजिशन लीडर यार लापिट का कहना था कि इसराइल कई दहाइयों से अमेरिका का करीबी इत्तेहादी रहा, लेकिन मुल्क की तारीख की सबसे बुनियाद परस्त हुकूमत ने इसे 3 माह में बर्बाद कर दिया है। नेतन्याहू उनके मजहबी और अल्ट्रा नेशनलिस्ट इत्तेहादियों पर मुश्तमिल इसराइल की तारीख में सबसे ज्यादा दाएं बाजू की हुकूमत ने इक्तदार में आने के चंद ही दिन बाद जनवरी में अदालती इस्लाहात का ऐलान किया था। हुकूमत के इस मुतनाज़े मंसूबे ने इसराइल को बदतरीन बहरान में डाल दिया है। कारोबारी रहनुमा, आला इक्तिसादियात और साबिक सिक्योरिटी सरबराहान सभी इस मंसूबे के खिलाफ सामने आए हैं और उनका कहना है कि ये मुल्क को
आमरियत की तरफ धकेल रहा है। याद रहे कि अमरीका इसराइल का सबसे बड़ा सिफारती मुहाफिज है और अक्सर फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली बदसलूकी की मजम्मत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तजावीज़ को रोकने के लिए अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। इसराइल जिस पर इंसानी हकूक की बड़ी तंजीमों बशमूल एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से फलस्तीनियों पर नस्ल परस्ती मुसलत करने का इल्ज़ाम है को सालाना कम अज़ कम 3.8 बिलियन अमरीकी डॉलर फौजी इमदाद मिलती है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।